बहुत बहुत धन्यवाद महेश का जी, और आपने भी बेबाकी से अपनी आवाज रखी सभी के समक्ष। और आप ये खुशी की बात है कि आप अपने अपने कर्तव्य को सच्चे निष्ठा से किए जा रहे हैं, भले ही बहुत सारी बाधाएं और चुनौती हमें हमेशा से ही प्रत्येक काम में आती रहती है, वो भी जीवन का हिस्सा है। हमें अपनी जिम्मेदारी का संपूर्ण निष्ठा से निर्वहन करना है, और इसीलिए हम जवाबदेही कानून की मांग कर रहे हैं। हम जब जिम्मेदारी के साथ खड़े होंगे तब अपन स्वयं की भी जवाबदेही तय कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे। मैं और भी निवेदन करूं, और आगामी वक्ता कोई भी साथी बीआरपी डीआरपी अगर अपने विचार रखना चाहे तो तुरंत प्रभाव से बहुत संक्षिप्त शब्दों में, क्योंकि समय काफी हो चुका है और सुबह से जो संवाद है प्रशासन के साथ यात्रा रही है, और अभी जो विचार गोष्ठी है उसके बाद भी आगामी गतिविधि की कार्य योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो आपसे सभी से निवेदन है, क्योंकि हम हमारे पास सिर्फ कल कल का दिन है, सोमवार से विधानसभा सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, तो उससे पहले हम सबको अपनी प्रभावी आवाज सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, और उन्हें लगे कि वास्तव में हम कहीं न कहीं जो वादा हमने किया था तो उसके ऊपर अमल करें, विचार करें, ताकि इस बात के लिए जनता को, जनता ने हमें चुना था और उसके लिए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। और क्यों ना हो, ये वास्तव में प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत ही नितांत आवश्यकता वाला कानून है कि कोई भी व्यक्ति हो, अपने भले वो श्रमिक हो, कार्मिक हो, निजी व्यवसायी हो, उद्यमी हो, किसान हो, कोई भी व्यक्ति हो, जब वो अपने खून पसीने से इस राष्ट्र को कहीं न कहीं प्रगति उन्नति और समृद्धि की राह पर चलता देखना चाह रहा है, तो वहां पर किसी भी प्रकार के असामाजिक तत्वों की भेंट वो न चढ़े, और कोई भी किसी भी प्रकार का घोटाला ऐसा न हो, क्योंकि राष्ट्र का निर्माण जब एक व्यक्ति 100 कदम आगे चलता है तब नहीं होता, वास्तव में सार्थकता से 100 व्यक्ति जब एक कदम आगे चलते हैं तब जाकर राष्ट्र का और समाज का निर्माण संभव हो पाता है। तो हम सबको प्रयास, सामूहिक प्रयास, आप सबके आपसी समन्वय से, सौहार्द से और शांति से ये करना है, और सरकार तक इस प्रकार से आवाज को प्रभावी रूप से उठाना है, पहुंचाना है कि वो इसी सत्र में कम से कम, और संभावना भी है कि इस प्रकार के कानून को हम सबके समक्ष रखे, इसका ड्राफ्ट सुनिश्चित तरीके से बनाकर वो उसमें सारी मांगे, जितनी भी अपनी सुयोग्य मांगे हैं उनको वो विचार विमर्श करते हुए और प्रभावी रूप से धरातल पर उसका क्रियान्वयन कराने बाबत एक अच्छे कानून के साथ वो इस सदन, जो विधानसभा सत्र चले, उसमें ऐसी सौगात हम सबको दे, राजस्थान की जनता को दे, ताकि जब उन्होंने चुनाव के समय घोषणा पत्र में जो घोषणा अपना वादा किया था उसके ऊपर वो खरे उतर पाए, यही हम सब की मांग है। और आप लोगों ने आज उन्हें इतना अपार सहयोग और साथ दिया, उसके लिए आपका सबका पूरी जवाबदेही यात्रा आपका आभार प्रकट करती है। और एक और साथी हम सबके बीच अपने विचार प्रकट कर रहे हैं जी। टीम यहाँ पधारे हुए, बिहार की टीम और बाहर से अन्य लोग जो जुड़े इस जवाबदेही यात्रा में मिलकर से आपको हार्दिक अभिनंदन। जो ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट चल रही है, हमने भी सोशल ऑडिट की पंचायतों में, वहाँ पर जाने से पता चला कि लोगों को योजनाओं से लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कई जगह ऐसा भी मिला है कि जिनको पात्रता नहीं है, साधन संपन्न लोग हैं, वो सरकारी योजनाओं से लाभ उठा रहे हैं, तथा जो लोग निम्न गरीब श्रेणी में आते हैं उन लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है और योजनाओं से भी लाभ नहीं मिल रहा है, ये हमने पंचायतों में जाके देखा। और ये जो समस्याएं हैं और जो ये भेदभाव ये पंचायती राज विभाग में चल रहा है, ये हमारे समझ सामने आया कि पंचायतों में किस प्रकार से लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, उनको समय पर काम है रोजगार उपलब्ध नहीं करवा जा रहा और योजनाओं से वंचित रह रहे हैं लोग। ये बहुत बहुत धन्यवाद।